नमस्कार, वेलकम टू एक्स सर्विसमैन इंडिया यूट्यूब चैनल। रीएम्प्लॉयड एक्स सर्विसमैन का पे फिक्सेशन यानी कि वेतन निर्धारण एक लॉन्ग पेंडिंग इशू है और अब मैं पूरे मामले का इतिहास और मामले की वर्तमान स्थिति बताना चाहता हूँ। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में कई वर्षों की मिलिट्री सर्विस के बाद सोल्जर्स, सेलर्स एंड एयरमैन अनसर्टेन सिविल लाइफ में आते हैं। उनमें से बहुत कम ही लोग को गवर्नमेंट जॉब मिल पाता है। जिन रिटायर्ड जेसीओ द्वार को गवर्नमेंट जॉब मिल गया, उनके पे को एंट्री पे में फिक्स किया जाता है, जो कि एक कॉलेज पास आउट नए यंग रिक्रूट्स पर लागू होता है। जबकि एक सर्विसमैन जेसीओ द्वार जो रिटायर होते हैं, उनके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाना होता है, जैसे कि अपनी बच्चों का एजुकेशन और बच्चों की शादी, एक घर निर्माण करना और जो है ओल्ड एज माता पिता की देखभाल करना। यहाँ मैं 1958 से लेकर आज तक का पूरे मुद्दे को बताना चाहूँगा। पॉइंट्स पर जाने से पहले मेरा विनम्र अनुरोध है कि कृपया नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। 1958 में वित्त मंत्रालय डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने सभी रैंकों के पे फिक्सेशन के तौर तरीके के बारे में ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शन जारी किए। उस समय हायर स्टेज में पे फिक्सेशन उन रीएम्प्लॉयड एक्स सर्विसमैन पर लागू होता था जो अनड्यू हार्डशिप में रहते थे। अब अनड्यू हार्डशिप का पैरामीटर कुछ सिंपल पॉइंट्स के साथ निर्धारण किया है। यदि आपका रीएम्प्लॉयड सिविल पद के पे प्लस आपका पेंशन लेस इग्नोरेबल पार्ट, ये टोटल जो कुल राशि अगर आपका प्री रिटायरमेंट पे की तुलना में कम हो, तो इस कंडीशन को अनड्यू हार्डशिप माना जाएगा। ऐसे मामले में जितने वर्षों का मिलिट्री सर्विस था, उसके बराबर शंखा का एडवांस इंक्रीमेंट मिलती थी, यानी कि आपका पे हायर स्टेज में फिक्स होता था, आपको पे फिक्सेशन बेनिफिट मिलता था। अब क्या हुआ, 1983 में ये जो प्रोसेस था, इग्नोरेबल पार्ट, नॉन इग्नोरेबल पार्ट, ये सब कुछ हटाया गया और प्रोसेस को अधिक सरलीकृत किया गया। वेतन निर्धारण के प्रयोजन के लिए जेसीओ द्वार की संपूर्ण पेंशन इग्नोर यानी अनदेखी की गई। परिणाम स्वरूप यदि आपके पद का वर्तमान वेतन आपकी सेवानिवृत्ति के पूर्व के वेतन से कम था, तो आप अनड्यू हार्डशिप यानी कि अनुचित कठिनाई में है, ये माना जाता था। इस केस में एडवांस इंक्रीमेंट लागू था। अब 1986 में पे फिक्सेशन संबंधी आदेशों को नियंत्रित करने का अधिकार वित्त मंत्रालय से डीओपीटी को स्थानांतरित हो गया। 31 जुलाई 1986 को फोर्थ सीपीसी के लागू होने के बाद डीओपीटी ने दिशा निर्देश जारी किए, जहां पे फिक्सेशन की मात्रा दो अलग अलग श्रेणियों में विभाजित हो गई है। पहला रिटायर्ड कमीशन अधिकारी या सिविल पक्ष के ग्रुप ए अधिकारी के लिए और दूसरा रीएम्प्लॉयड जेसीओ द्वार या इक्विवेलेंट सिविल पद के लिए ऑर्डर्स का एक और सेट। एक रीएम्प्लॉयड कमीशन अधिकारी को जो 55 वर्ष की आयु से पहले सेवानिवृत्त हो गए हैं और किसी भी सिविल पद पर नियुक्त हुए, उन्हें सेवानिवृत्ति से पहले दिए गए वेतन के समान पे ड्रॉ करने की अनुमति दी जाएगी सिविल सर्विस में, यानी कि उनका पे जो है लास्ट पे ड्रॉन में फिक्स होगा। ये तय किए गए वेतन पर सभी प्रकार की अलाउंसेस की अनुमति के बाद कुछ डिडक्शन होती थी, यानी कि जो लास्ट पे ड्रॉन है उसके ऊपर सारे अलाउंसेस मिलेंगे और सब जोड़ने के बाद टोटल एमालुमेंट्स जितना होगा, टोटल पे एंड अलाउंसेस जितना होगा, उसमें से डिडक्शन होता था। वो डिडक्शन अमाउंट क्या था, वो डिडक्शन था जितना पेंशन था उससे 15,000 रुपए कम करके। ये 15,000 रुपए जो है 1/16 से हुआ है। इससे पहले जो पे कमीशन था
फिफ्थ सीपीसी सिक्स सीपीसी में उसमें 4,000 था और उससे पहले ये जो है 1,500 था। तो अभी कोई अगर अफसर रिटायर होता है तो और जो है रिम्प्लॉयड होता है तो उनका पे फिक्स होगा लास्ट पे ड्रॉन में और उनका पे एंड अलाउंसेस जितना भी होंगे सारे सब कुछ जोड़ने के बाद उनमें से उनका पेंशन का अमाउंट जो है डिडक्शन होगा। शर्त यह है पेंशन अमाउंट पूरा डिडक्शन नहीं होगा, उनमें से 15,000 रुपए की छूट है। तो अभी एक सरल सा इलुस्ट्रेशन का द्वारा हम लोग इस चीज को देखेंगे। किसी रिटायर्ड कर्नल जिनका लास्ट बेसिक पे 1,60,000 था और एमएसपी 15,500 था तो उनका पेंशन बनेगा 87,750 प्लस डीआर। तो अगर उन्हें कहीं एम्प्लॉयमेंट मिलता है वो रीएम्प्लॉयड होते ग्रुप ए पोस्ट में तो उनका ग्रुप ए पोस्ट का जो मिनिमम सैलरी है वो एप्लीकेबल 56,100 प्लस डीए प्लस टीए एचआरए तो कुल मिला के 90,057 रुपीस, जो कि उनके साथ वाले कोई फ्रेश रिक्रूट जो ग्रुप ए पोस्ट में अपॉइंट हो रहे हैं उनका पेमेंट बनता है। बट इनका कर्नल साहब के लिए ये पेमेंट नहीं बनेगा, इनको जो है लास्ट पे ड्रॉन मिलेगा, यानी कि इनका पे जो है लास्ट पे ड्रॉन में फिक्सेशन होगा और वो है 1,37,250। तो कुल मिला के इनका बनेगा टोटल 2,07,725। तो ये जो अमाउंट है ये इससे क्या होगा डिडक्शन होगा, डिडक्शन आप जानते हैं कि इग्नोरेबल पार्ट को छोड़ के 65,000 हो गया। तो इनका टोटल जो आफ्टर डिडक्शन टोटल जो नेट सैलरी बन गया 1,42,725 रुपीज। तो ये जो है इनका आप देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस है, 90,000 मिल रहा है और इनको मिल रहा है 1,42,725 इन एडिशन टू हिज पेंशन। तो अब क्या है, अब देखेंगे अगर ये इनका जो टोटल पी प्लस पेंशन है ये कितना बन रहा है, इनका 1,42,725 प्लस 87,750 यानी कि 2,30,475 रुपीज। तो अगर ये एप्लीकेबल नहीं होता तो इनको कितना मिलता, रिफ्रेश होते तो उनको ये मिलना था जैसे कि पीबीआर का होता है तो उनको 90,057 प्लस 1,06,178 टोटल हो गया 1,96,235। तो अभी देखेंगे कितना डिफरेंस है, जो ये फिक्सेशन मिलने से उनको टोटल फायदा कितना हो रहा है, ये हो रहा है 34,240 रुपीज। ये है लास्ट पे ड्रॉन मिलने का वजह से इनको ये फिक्सेशन मिल रहा है। इसी दौर का एक जेसीओ या वार कोई 55 वर्ष से आयु से पहले अगर रिटायर होते हैं तो उनको रीएम्प्लॉयड पोस्ट पर नई भर्ती के लिए लागू होने वाली न्यूनतम वेतन का भुगतान किया जाता है। यानी कि आपका आप अगर मान लीजिए सर्जेंट से रिटायर हुए और सिविल में कोई एलडीसी पोस्ट में जिनका पे लेवल 2 होगा और आप रिटायर हुए लेवल 5 या लेवल 6 से तो आपका लेवल 2 का जो एंट्री पे है जैसे लेवल 1 का 18,000 है, अगर लेवल 1 में आप एम्प्लॉय हुए तो आपको 18,000 रुपए ही मिलेंगे, कोई लास्ट पे ड्रॉन आपको नहीं मिलेगा। ये क्या हुआ, जेसीओ वार का जो बेनिफिट है ये टोटली नजरअंदाज कर दिया जाता है और इस कैटेगरी में कोई पे फिक्सेशन बेनिफिट लागू नहीं होता है। सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ इलस्ट्रेशन। अब क्या है, 1986 का ये डीओपीटी आदेश केवल केंद्रीय सिविल सेवा के कर्मचारियों के लिए लागू था, बैंक और अन्य सार्वजनिक उपक्रमों और कुछ स्टेट गवर्नमेंट कर्मचारियों को पे प्रोटेक्शन प्राप्त करने की अनुमति दी गई थी जो कि इस पद्धति से अलग थी और इन रीएम्प्लॉयड जेसीओज़ को पर्याप्त लाभ हुआ। इस बीच क्या है, आरटीआई अधिनियम 2005 लागू हो गया। वर्ष 2010 में भारत सरकार ने पे फिक्सेशन ऑर्डर्स के
संबंध में एक और निर्देश जारी किया जिसमें इंटरप्रिटेशन में भारी अस्पष्टता आई और कुछ विभागों ने री एम्प्लॉयड जेसीओजवार को पे फिक्सेशन बेनिफिट देना शुरू कर दिया। कमीशन अधिकारियों के लिए पेंशन का इग्नोरेबल पार्ट कर 4,000 रूपए किया गया। जिन लोगों को बेनिफिट नहीं मिला, जिन जेसीओजवार को री एम्प्लॉयड जेसीओजवार को उन्होंने आरटीआई एप्लीकेशन और पीजी पोर्टल के माध्यम से अपनी आवाज उठाई, सभी केंद्रीय सरकारी विभाग ने जेसीओजवार री एम्प्लॉयड को पे फिक्सेशन बेनिफिट डिनाई करने लगा और इसे क्या हुआ, 400 से ज्यादा कोर्ट केस फाइल हो गया देश के विभिन्न प्रांत में कैट और हाईकोर्ट में। पर कोर्ट उस पर विचार कर सकता है जहां नियमों का उल्लंघन हुआ है। ये तो नियम ही अनुचित प्रकार के बनाया गया तो इस पर विचार का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। तो सारे जो केसेस है इन फेवर ऑफ गवर्नमेंट गया। इस समय के दौरान पूर्व सैनिकों ने विभागीय स्तर और क्षेत्रीय स्तर पर एकजुट हुए। विभिन्न रीएम्प्लॉयड पूर्व सैनिकों के संघों ने रक्षा मंत्रालय के तहत भूतपूर्व सैनिक कल्याण निदेशालय DSW से संपर्क किया और उन्होंने 1986 के वेतन निर्धारण आदेशों में अन्याय और भेदभाव को स्वीकार किया और आवश्यक सुधार करने पर सहमत हुए। कुछ लेटर्स जो हमें मिला था उन विभागों से वो इस प्रकार है, आपके समक्ष है, आप वीडियो को पॉज करके इसे देख सकते हैं। उन्होंने कमीशन अधिकारियों के साथ जेसीओजवार के बराबर भुगतान करने के लिए उपयुक्त निर्देश जारी करने का वादा किया था, लेकिन CCSRP रूल्स फिक्सेशन ऑफ पे ऑफ रीएम्प्लॉयड पेंशनर्स 2016 के ऑर्डर्स पर इस संबंध में ऐसे किसी भी निर्देश को शामिल करने में विफल रहा। इस बीच 2017 में ऑल इंडिया एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन का गठन हुआ जिसे रक्षा मंत्रालय और अन्य अथॉरिटी द्वारा मान्यता प्राप्त हुआ। एसोसिएशन ने 2016 के वेतन निर्धारण आदेशों में विसंगतियों पर चर्चा करने के लिए फॉर्मल मीटिंग में DOPT एंड DESW के अधिकारियों के साथ मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय और DOPT के साथ कई मीटिंग करने के बाद DOPT ने पे फिक्सेशन के संशोधित आदेश का ड्राफ्ट तैयार किया है जो कि कमीशन अधिकारियों के लिए पहले अपनाए गए वेतन निर्धारण विधि के अनुरूप है, जो आवश्यक विभागों को परिचालित किया गया उनके समीक्षा और सिफारिश हेतु। DOPT के साथ हाल ही में आयोजित मीटिंग के दौरान उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि कंसोलिडेटेड ब्लॉग मिल जाएगा। फिर भी मैं बता देता हूँ उसका जो एड्रेस है www.reemployedexsm.blogspot.com। थैंक यू।